गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग बच्चों राधा धर्मेंद्र एंड रूबी अर्चना मीनू शैली वेरी गुड इवनिंग बच्चों तो कैसे हैं सब लोग हाउ यू होप यू आर वेल तो चलिए बच्चों आज क्लास सही से चल रही है और सभी बच्चे टाइम से पहुंच भी गए हैं तो शुरुआत करते हैं आज के अपने स्वर्गी शैली विनू सभी बच्चे पहुंच चुके हैं और बाकी बच्चे भी लाइव आ जाएं हमारी क्लास लाइव हो चुकी है वॉइस क्लियर करें अच्छा वॉइस क्लियर नहीं है अभी अब मुझे बताओ धर्मेंद्र क्या अब ये वॉइस क्लियर है बिल्कुल इज इट क्लियर ऑल राइट एवरी वन जी रीना बिल्कुल आप भी हैं वहां पे एग्जैक्टली exactly, राहुल बिल्कुल ठीक है बच्चों ओके दैट्स ग्रेट तो देखो इस पर्टिकुलर जो हम यहां पे वर्क कर रहे थे इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस यानी कि कल हमने यहाँ पे टेन क्वेश्चंस देखे थे तो ये फर्स्ट टेन क्वेश्चंस हम यहाँ से छोड़ देते हैं कि सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था हु इज किंग सेकेंड डॉटर्स हजबेंड और इसका आंसर था हमारा ए मी सी के वॉइस क्यों नहीं आ रही है अब मुझे बताओ बच्चों क्या वॉइस आ रही है ठीक से अच्छा मतलब ऐसा हुआ है कि अगर वॉइस आई तो नेटवर्क गड़बड़ और नेटवर्क आया तो वॉइस गड़बड़ चलिए अब बिल्कुल ठीक है अब सब चीजें ठीक है नो प्रॉब्लम एट ऑल तो चलिए कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है कल आपकी क्लास बिल्कुल सही से होगी क्योंकि हम आ, वहीं पे होंगे डेली में चलिए ऑडिबल है बहुत अच्छे बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे अच्छा ये हमारा पैसेज है इस पैसेज को तो अभी नहीं करेंगे है ना हम आते हैं इन क्वेश्चंस पे तो सब बच्चे इन क्वेश्चंस को देखेंगे यहां पे ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन आज का और देखो ये क्या कह रहा है इसको कह रहा है कि चेंज द सेंटेंस चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का मीन्स क्या बना प्रेजेंट इन की बात कर रहा है तो सेंटेंस हमारा क्या है शी done डन work उसने वर्क कर लिया है तो आप मुझे बताएं कि ये हमारा आंसर इसका क्या बनेगा

तो हम इसमें देखेंगे कि 21 का आंसर हमारा क्या गया है सी डिस्ड डज द वर्क करेक्ट बच्चों मैं आपसे बाद में बात करता हूं अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे और अगला क्वेश्चन हमारा है 22 देखो ये क्या करे कि इट हैड बीन रेनिंग इट हैड बीन रेनिंग कहते हैं बच्चे मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा व्हाट शुड बी द आंसर ठीक है ठीक है पूजा ऑलराइट टी बिल्कुल स्... हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा बिल्कुल करेक्ट बात है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पूजा समझ लो कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सीटेट में बेटा आते हैं है ना टेंस पूछने वाले तो ये पास्ट अगर यहीं पे हैज है वो था

या फिर दे हैड डिफीटेड अवर टीम या फिर दे हैव डिफीटेड डिफीटेड टीम टीम या फिर दे वर डिफीटिंग क्या आंसर करेंगे आप इसमें ओके राधा सी कह रही है दे हैव डिफीटेड अवर टीम बाकी बच्चे बताए राहुल भी सी कह रहे हैं आरूज ने भी सी कह दिया है सोनिया ने बी कहा है ओके राधा प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है नीरू बिल्कुल सही बात बच्चों अब देखो ध्यान से अगर यहाँ पे लिखा है इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है तो हमें किस में बनाना है इसको एक्टिव वॉइस वॉइस में में अब एक्टिव होता है तो जब हमें कहते, यहां पे दे। और बाकी सोचने की जरूरत नहीं है चारों में ही दे है, है ना? तो इसका मतलब दे अब बच्चों अगर यहां पे हैज है लगाया है, हमने टीम के लिए तो दे के लिए क्या आएगा है ना हेड तो आने का मींस ही नहीं बनता सकता और वर नहीं बन सकता वर कब आता है जब आप किससे बदलते हैं उसको V2 से यानी कि वहां पे डिड है पास इंडेफिनिट है तो हमारा आंसर क्या बन गया सी बहुत अच्छे आंसर दिए हैं सभी बच्चों ने दैट्स ग्रेट अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लिसन टू मी बहुत ध्यान से इसका आंसर करना है सब बच्चों को लिसन टू मी इस सेंटेंस में बच्चों हम क्या पैसे वो इस बनाएंगे यू हैव टू लिसन टू मी यू मस्ट लिसन टू मी यू आर सपोज या फिर यू आर रिक्वेस्टेड अच्छा वॉइस प्रॉब्लम ओके ओके देखो अब ठीक होगी ये थोड़ा माइक इधर उधर हो जाता है तब ऐसी कंडीशन बन जाती राधा ने कहा है डी है, है बिल्कुल ठीक है एग्जैक्टली आसमिन देखो मैक्सिमम बच्चों ने अब देखो हमारे पास इसमें से कई चीजें बन सकती हैं कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं लेट लिसन टू मी लेट यू लिसन टू मी या लेट मी बी ऐसे बना सकते हैं हम लेट मी बी अब बच्चों अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं है लेट मी बी लेकिन यहां पे तो ऑप्शन है ही नहीं अब हैव का ऑप्शन ये तो कोई बात नहीं मस्ट का नहीं है लेकिन जब आप कहते सपोज अब हमें देखना पड़ेगा यू आर सपोज या फिर यू आर रिक्वेस्टेड तो ये बच्चों रिक्वेस्टेड की कंडीशन बना रहे हम बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी तो आंसर हमारा यहां पे बनेगा डी जी जायरा रिक्वेस्टेड आएगा मीनू बिल्कुल सही बात है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे 25 कहता है हमें who gave you, who gave you this pen? ये पेन तुम्हें किसने दिया अब बताओ आप इसको कैसे बनाएंगे बाय होम वर यू गिवन दिस पेन या फिर यू वर गिवन दिस पेन बाय होम या बाय होम यू वर गिवन दिस पेन या फिर बाय होम यू आर गिवन दिस पेन क्या बनाएंगे आप इसमें व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑल राइट सोनिया ए कह रही है बाकी बच्चे बताएं। राहुल भी ए कह रहे हैं और मीनू ने सी कहा है बच्चों ने कहा है और बिल्कुल इस जो बनेगा वो हमारा होगा। अब देखो इसका रीजन क्या है हु गेव यू दिस पेन जब हम ये कहते हैं हु गेव यू दिस पेन तुम्हें ये पेन किसने दिया तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट है अब जब बच्चों सब्जेक्ट है तो हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय होम करके तो बन गया बाई होम वर यू गिवन और देखो गेव है अभी मैंने बताया था वीटू है इसका मतलब डिड है यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनेट किस में बदलता है बच्चों डिड बदलता है वर में तो और हमें पैसिव बनाना है 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 पहले वाला क्या एक्टिव है? है, तो बाई वर यू गिवन दिस पेन अब बाकी जो हो बाई होम यू आपको पता है कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में इस तरह से कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता सब्जेक्ट आने का मतलब है, वो क्लॉज का काम करेगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे हम यहाँ पे बच्चों हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो बाई होम वर यू गिवन दिस

अब देखो ये नाउन क्लोज है एडजेक्टिव क्लोज है एडवर्ब या फिर नन ऑफ ये बच्चों क्वेश्चन आपके सी टेट में भी आते हैं तो वो बच्चे जो यहाँ पे सी टेट वाले वो भी देख सकते हैं मतलब वन डे एग्जाम में सब में आता है ये हमारा ऑल राइट बहुत अच्छे आंसर बनाते जाओ कोई बात नहीं है अच्छा कुछ बच्चे इसमें सी कह रहे हैं कुछ बच्चे ए कह रहे हैं अच्छा एक एक मिनट का वेट करेंगे

तो वो समय वेन आई कुड लिफ्ट तो यहां पे हम किसका आंसर दे रहे हैं विच का आंसर दे रहे हैं कौन सा टाइम और विच का आंसर हमेशा क्या जाता है हमारा एडजेक्टिव है ना मैं कह दू कि दिस इज अ गुड गर्ल मैं कहता हूं विच गर्ल के दिस गुड वन गुड गर्ल तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा समझ में आ गया सब बच्चों को आवाज तो आ रही है बेटा राधा आवाज तो आ रही है मैंने खुद सुन ली है बफरिंग बच्चों हो रही है हाँ मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस uh, कर लेते हैं कोई बात नहीं कई बार इसमें रहती है प्रॉब्लम ऐसी अब देखो 27 देखेंगे आप रमेश आस्ट मी वेयर आई लिव्ड इसमें भी आपको क्या करना है क्लॉज बतानी है तो देखो रमेश आस्ट मी सब बच्चे बड़े ध्यान से बताएंगे ये वेयर आई लिव कौन सी क्लॉज है यहां पे ठीक है आरूज राखी राधा ओके रूबी नाउ यू आर टर्निंग इनटू गुड गर्ल बाकी बच्चे बेटा बता बताया है ट्वेंटी सॉरी फोर्टीन से आ रहा है चौदह डिसंबर uh, से ओल सेंटेंस अंडरलाइन है नहीं बेटा ओल नहीं है वेयर आई लिव सिर्फ ये है एडवर्ब क्लोज भी कुछ बच्चे कह रहे हैं मैंने भी बता, <laughs> बताया बताया राखी बिल्कुल सही है बच्चों ध्यान से देखो रमेश आस्ट मी रमेश ने मुझसे पूछा वेयर आई लिव है ना तो रमेश ने मुझसे क्या पूछा वोट रमेश आस्ट मी क्या पूछा उसने पूछा कि वेयर आई लिव जहां मैं रहता था है ना तो ये वोट का आंसर दे रहे तो बच्चों क्या बन गया सीधी सी बात है नाउन क्लॉज बन गया तो ये हमारी बच्चों नाउन क्लॉज है समझ पा रहे हैं तो ये हमारी नाउन क्लॉज बनेगी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग देसाई इज अ वेल्दी मैन अब आपको ये बताना है कि ये अगर सेंटेंस में फिट हो तो ये कौन सी क्लॉज बनाएगा देसाई इज अ वेल्दी मैन ये बच्चों कौन सी क्लॉज बनाएगा बताइए सब लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं कि ये हमारी नाउन क्लॉज थी दैट्स ग्रेट लेकिन 28 में आप क्या कहेंगे देसाई इज अ वेल्दी मैन इसमें क्या बदलेंगे सी एडवर्ब क्लोज ओके ओके ठीक है राहुल कुछ बच्चे सी कह रहे हैं कुछ ए कह रहे हैं अब, अब ये देखो अच्छा देखो अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं मतलब मैं कैसे बनाऊंगा मैं इसको बताता हूं आपको कि कैसे निकालेंगे आप इसको देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं देसाई देसाई इज मैन देसाई इज अ मैन राइट और नॉट अब बच्चों आप खुद बताओ ये क्या है देसाई मतलब जब मैं कहते देसाई देसाई इज ए मैन हु इज वेल्दी इसका मतलब मैन की विशेषता बता रहा है आगे वाला तो क्या बन गया हंड्रेड परसेंट ये एडजेक्टिव क्लॉज बनेगी बहुत अच्छे बच्चो हाउ टू एडेंट बेटा राहुल ये तो क्लास में बताया आपको अभी देखो मैं जैसे बता रहा हूं सीधे आप यहां पर ऐसे देखो कि मतलब वो मीन्स क्या दे रहा है उस मीन्स के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हैं ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन ही नहीं बेटा ट्वेंटी सेवन तो निकल गया है रीना अब ट्वेंटी नाइन को देखेंगे सब बच्चे ट्वेंटी नाइन देखो नो सुनर हैड ही रिटर्न ही वॉज ऑफ अगेन तो अब आप यहां पे क्या भरेंगे देन भरेंगे अब आपको सीधी सी बात देखने नो सुनर के साथ में कौन सा पेयर आता है पेयर्ड कंजंक्शन कौन सा बनता है एग्जैक्टली exactly बच्चों ये देन होगा टी एच एन तो नो सुनर हैड ही रिटर्न देन ही वॉज ऑफ अगेन हमारा आंसर क्या बनेगा ए आंसर बनेगा तो सबको पता होना चाहिए कि पेयर्ड कंजंक्शन कौन कौन से हैं और कैसे कैसे वो वर्क करते हैं अगले क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी ये कहता है ही ओनली हिज तो सीधी सी बात है अगेन वो आपसे पेयर्ड कंजंक्शन की बात करें कि नोट ओनली के साथ में हम यहां पे क्या लगाएंगे ओके okay, ठीक है बच्चों बहुत अच्छे दैट्स ग्रेट ए बेटा लेकिन इसमें बट ऑल्सो भी बनेगा ना हाँ बिल्कुल सही बात जा रही है करेक्ट जया करेक्ट बहुत अच्छे बट ऑल्सो अब एक बात और ध्यान रखेंगे आप यहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो ये जो दोनों है, है ना ये या तो बच्चों नाउन के पहले आएंगे जैसे ये नाउन के पहले ये भी नाउन के पहले या फिर दोनों अगर आएंगे तो दोनों ही वर्ब के पहले आएंगे तो वर्ब के पहले या फिर नाउन के पहले ऐसा कभी नहीं होगा कि एक नाउन के पहले और एक वर्ब के पहले अगर ऐसा होता है तो वहां पे बच्चों गलत है वो वो वहां पे रोंग होगा अगला क्वेश्चन देखो स्कैट्सली थर्टी वन कहते हैड ही गॉन पुलिस में नॉक एट द डोर तो देन आएगा वेन आएगा बट आएगा स्टिल आएगा क्या लगाएंगे आप इसमें बहुत अच्छे बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे वर्ब के पहले का सोनिया बेटा आएगा तो बिल्कुल अभी देखो हम दिखाएंगे आपको जैसे इसको देखो स्कैरसली इस अच्छा स्कैरसली में वो चीज नहीं लगती कोई बात नहीं है क्या लगाएंगे हम स्कैर्सली हेड ही गॉन वैन अ पुलिसमैन बहुत अच्छे बी आंसर कर रहे हैं वैन आएगा और मैं सब बच्चों को यह बता दूं कि स्कैर्सली हो या फिर आपका हार्डली हो है ना दोनों के साथ में वैन बनेगा और सबसे बड़ी बात है स्कैर्सली और हार्डली से अगर सेंटेंस शुरू हो तो हम वहां पे इनवर्जन भी देखते हैं यानी कि हेड प्लस ही कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि स्कैर्सली हीड गोन वो गलत हो जाएगा तो इनवर्जन होगा और यहां पर हम वैन लगाएंगे करेक्ट बच्चों नेगेटिव होते हैं बिल्कुल ठीक है अब थर्टी टू को बताएंगे आप यहां पे कितना बढ़िया कॉपरनिकस कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन द सन हैज मूव्ड या फिर हैज बीन मूविंग क्या बनाएंगे आप इसमें हां जी सोनिया बिल्कुल नेगेटिव सेंस में आते हैं इन्वेंशन ठीक है जी इन्वर्जन बहुत अच्छे बच्चों मूव्स क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया तो यहां पे क्या आएगा मूव्स बनेगा कॉपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ बहुत अराउंड दैट्स ग्रेट अब क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इसको बहुत ध्यान से बताना गलती कर सकते हो ही रैन एज क्विकली एज ही तो कुड कैन मे या फिर बच्चों माइट क्या बनाएंगे आप इसमें ए ओके okay, धर्मेंद्र बी ओके कैन भी कुछ बच्चे कह रहे हैं ओके okay. अब देखो आप ध्यान से देखो यहां पे हमारी वर्ब कौन सी है वो दोड़ा, quickly, उतना तेज, तो इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पे पास्ट की फॉर्म आएगी तो हम क्या लगाएंगे कैन नहीं यहां पे कुड़ लगाएंगे अब अगर मैं ये कह दूं कि ही रन एज क्विकली एज ही कैन अगर यहां पे बच्चों रन होता ही रन ही रन तो हम यहां पे कैन लगाते लेकिन यहां पे क्योंकि रेन है पास्ट इंडिपेंडेंट तो ये भी पास्ट का बनेगा तो कुड आएगा यहां पे। पकड़ पा रहे हैं सब बच्चे तो इस सेंटेंस में आप हंड्रेड परसेंट कुड लगाएंगे और रन होता तो आप कैन लगाते इज इट ऑल राइट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है खुद ब खुद के करेंगे हम नहीं बताएंगे आई डिडेंट नो इट अंटिल यू स्पीक हैव स्पोकन स्पोक या फिर नन ऑफ तो वाले में आप बच्चों क्या लगाएंगे यह बढ़िया क्वेश्चन है मैं नहीं जानता था जब तक तुमने इसे मुझे नहीं बताया है बताया या फिर बताया बताया जाता एग्जैक्टली exactly. सी लगेगा बहुत अच्छे बच्चों फिर से आंसर सही कर दिया आपने देखो पहले वाले क्वेश्चन से आप समझ गए यहां पे हंड्रेड परसेंट स्पोक आएगा है ना क्योंकि ये ये पास्ट में है तो बच्चों ये भी किस में बनेगा पास्ट में बनेगा हैव की तो कोई बात ही नहीं जाती लेकिन अगर ये ऐसे होता कि it, आता फिर यहां पे। तो बस हम दोनों तरफ देखेंगे कि है वहां पे या फिर हमारा पास्ट है उसी के अकॉर्डिंग पे पे आंसर देंगे बहुत अच्छे राखी जया रवीश दिव्या रूबी आरुष सोनिया रीना अर्चना बहुत अच्छे बच्चों अगले क्वेश्चन को अच्छा फिर से यहां पे आ गया है इसको छोड़ देते हैं हैं यह किया जाए इसको करते हैं इसको बच्चों करते हैं कोई बात नहीं इस पैसेज को देखो देखो कितना बढ़िया पैसेज है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस इसको मैंने थोड़ा आज देखा है और देखो इसमें कितनी कितनी मतलब एक तरह से गड़बड़ चीजें दी गई हैं वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन हैपेंड टू ओवर हियर टू माइनर्स ध्यान से देखो मैंने दो माइनर्स को सुना टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन द वर्जीनिया वर्जीनिया में था आई रिजोल्ड एट वंस टू गो टू द स्कूल तभी के तभी चल पड़ा ऑल दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वॉज और हाउ मेनी माइल्स अवे और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट इन फोलो अपटीन सेवनटी टू आई डिटरमाइंड टू मेक एनी एफर्ट टू गेट देयर माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर दट आई वॉज स्टार्टिंग ऑफ अ वाइल्ड गूस चीज ये भी आपको ध्यान रखना है एट एनी रेट आई गोट ऑनलीफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉमर तो कैसे उसे ये ये देख रहे हो आप यहां पर माई ब्रदर हेल्पड मी ओल दैट ही कुड समझ में आ रही है अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो पढ़ते हुए ऑफकोर्स दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील अब बच्चों इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं स्ट्रगल ऑफ माई एजुकेशन पे को ठीक है आश्विन डन बच्चों तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन उसने दिया क्वेश्चन में वो कह रहा है आपसे द नेरेटर मैं स्कूल फोर अब बच्चों इसका आंसर बताओ आप क्या बनेगा माइनर बनेगा निग्रोरेस बनेगा द वर्कर्स बनेगा या फिर नन ऑफ द एबो बनेगा अगर हम इसे पूरे को देखें तो हम इसमें क्या कहेंगे ब्रोकर गठन बिल्कुल ठीक है बी आंसर निग्रो रेस एग्जैक्टली अब बच्चों यह खतरनाक क्वेश्चन क्यों बना निग्रो रेस आपने समझ लिया आंसर इसका बी है लेकिन अगर मैं पैसेज में जाऊं यहां क्या लिखा है कलर्ड पीपल तो कलर्ड पीपल का मतलब है ये बच्चों बिल्कुल अफ्रीकन रेस है ये कौन है अफ्रीकन तो हमें ये समझना पड़ेगा कलर्ड पीपल का मीन्स इसका मतलब हमारी और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए तो कलर्ड पीपल का मीन्स था अफ्रीकन से थे इसी वजह से यहां पे आंसर क्या है हमारा निग्रो रेस तो ये निग्रो रेस की बात कर रहे हैं हा निग्रो रेस से बिलोंग करता था बिल्कुल ठीक है माइनर भी हो सकता है नहीं नहीं बेटा माइनर नहीं इसका आंसर ही निग्रो रेस से जाएगा ये आपको ध्यान रखना है अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो एक्सप्रेशन है वाइल्ड गूज चेज अब इसका आंसर चाहे इसमें देखो या जनरली देखो सेम मिलेगा क्या इसका मींस डिफिकल्ट टास्क है स्ट्रेंज एंड एडवेंचरस या फिर बच्चों अनलेस यूजलेस एंड फुलिश एक्शन या फिर डेंजरस सेक्शन खुद बताओ आप लोग <coughs> My स्ट्रगल फॉर एजुकेशन बिल्कुल सही है धर्मेंद्र बी तो बच्चों अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो ये आंसर हमारा जाएगा सी यूजलेस एंड फुलिस एक्शन जो होता है उसे ही वाइल्ड चेज कहते हैं मतलब गूस जो होती है उसे जंगल में पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है तो अगर हम उसका पीछा करते हैं उसे चेंज करते हैं हमें कुछ भी नहीं मिलता ये इसका मीन्स है तो आंसर हमारा सी जाएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं सेलेक्ट द रोंग स्टेटमेंट अब देखो आपने पूरी की पूरी बात को पढ़ा इसमें लिखा है पहले वाला हिज ब्रदर हेल्प हिम इन द न्यू वेंचर भाई ने हेल्प किया ही वॉज वर्किंग इन कोल माइन वो कोल माइन में वर्क कर रहा था हिज मदर गेव होल हार्टेड कंसेंट माँ ने पूरे दिल से उसे कह दिया जा बेटा जा भाग के जा या फिर द स्कूल मेंशन इन पैसेज इज सिचुएटेड इन वर्जीना कौन सा गलत है ये बताओ देखो आप सिर्फ इतनी ही बात पढ़ के इतना सुन के भी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट दे सकते हो थर्टी सेवन का ए ब्रदर हेल्प हिम इन हिज न्यू वेंचर ओके बच्चों सी को तो देखो ना एक बार आप जब एक बार सी को देखोगे हिज मदर गेव होल हार्टेड होल हार्टेड कहां थी ये थी ना हाफ हार्टेड कंसेंट सबसे नीचे जाओ ये वाला देखो तो हाफ हार्टेड कंसेंट थी ना कि होल हार्टेड है ना तो आंसर हमारा सी जाएगा पकड़ पा रहे हैं सब बच्चे तो ऐसे ही आपके पैसेज के या कॉम्प्रीहेंशन के आंसर निकलते हैं और ये एक दिन का काम नहीं है बच्चों सिर्फ प्रैक्टिस का है क्वेश्चन देखो इसने कहा है कि डिसाइडेड का आपको क्या देखना है सिनोनिम तो सिनोनिम देखते हैं जरा डिसाइडेड को इसमें देखते हैं बच्चों कहां पे है ये रहा हमारा डिसाइडेड कॉल माइन ओवर हियर टू कलर पीपल आई रिजोल्ड देखो रिजोल्ट बनेगा आई डिसाइडेड रिजोल्ट तो ये आ गया हमारा बी रिजोल्ट बन जाएगा बच्चो डिसाइडेड का रिजोल्ट बन जाएगा मतलब उसने उसी समय सोचा मैं चलता हूं आप अब डिसेंट का बताओ सेलेक्ट द एंटर ऑफ द डिसेंट फ्रॉम द पैसेज डिसेंट का आप खुद बता दोगे, happened होगा एट एनी रेट होगा डील होगा या फिर हमारा कंसेंट बनेगा बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे बच्चों मैक्सिमम बच्चे आंसर करेक्ट कर रहे हैं दिव्या जया आरूज राधा याश्विन रूबी मीनू सोनिया वेरी गुड बच्चों सैली बिल्कुल ठीक है।, सी है तो आंसर हमारा डी बन जाएगा वेरी नाइस आंसर तो अगर मैं डिसेंट कहूं इसका जस्ट अपोजिट होता है कंसेंट कंसेंट होती है बच्चों अनुमति किसी को परमिशन देना और डिसेंट का मीन्स होता है उसे परमिशन से रोकना अगले क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन बच्चों लिटरेचर का है अब फाइव क्वेश्चन आगे आपके लिटरेचर के होंगे बताओ लेडी ऑफ द लेक किसने लिखा था रॉबर्ट सऊदी वॉल्टर स्कॉट लॉर्ड मायरन या फिर बच्चों पीबी शैली लेडी ऑफ द लेक किसने लिखा था इनमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनवीएस केवीएस टीजीटी पीडीटी सबके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है जी बिल्कुल अच्छे बहुत अच्छे धर्मेंद्र करेक्ट बात है ए रॉबर्ट सऊदी लेडी ऑफ द ले किसने लिखा ओके बच्चों मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं कि लेडी ऑफ द लेक वॉज रिटन बाई बच्चों लिखा था वॉल्टर स्कॉट ने इट वॉज वॉल्टर स्कॉट बी आंसर जाएगा आपका वॉल्टर स्कॉट ने लिखा था हु वॉज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स ये बच्चों हिस्टोरिकल नॉवेल्स के फादर थे हिस्टोरिकल नॉवेल्स ये भी आपको याद रखना है और कहां के थे स्कॉटलैंड के थे अगले क्वेश्चन पे आएंगे कहता है फोर्टी वन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर अच्छा इनमें से कौन सा कैरेक्टर ओल्ड मोर्टेलिटी से है किससे है बच्चों ओल्ड मोर्टेलिटी अब देखो ओल्ड मोर्टेलिटी भी वॉल्टर स्कॉट का लिखा हुआ है यह भी आपको ध्यान रखना है वॉल्टर स्कॉट और इसमें बच्चों कौन है इसमें लेडी मार्गरेट बेल बेलिंडन है लेडी मार्गरेट बेलेंडन इज अ मेन कैरेक्टर इन ओल्ड मोर्टेलिटी रिटर्न बाय वॉल्टर स्कॉट ठीक है जी अगले क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है चाइल्ड हेरोल्ड ये सब बच्चों ने पढ़ा है सही आंसर करेंगे इसका चाइल्ड हेरोल्ड प्लिग्रेमिज इज वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ बायरन कीट्स लैम्ब या फिर बच्चों डीक्वेंसी क्या आंसर करेंगे आप चारों में से ओके okay, ठीक है दिव्या अगर हम चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज की आपको याद है चाइल्ड हेरोल्ड की क्या क्या क्या, क्या कहानी बनी थी हेरोल्ड चाइल्ड का मतलब होता था वन पर्सन हु इज गोइंग टू बी टू हैव द नाइटहुड नाइटहुड की जैसी उपाधि मिलनी हो वो चाइल्ड कहलाता था ठीक है बच्चों ठीक है लैम्ब ओके सी ये प्यारे बच्चों लोर्ड बायरन बनेगा इट इज लोर्ड बायरन आपको याद है लॉर्ड बायरन या फिर जॉर्ज गोर्डन ये दोनों नाम इसी के थे और बच्चों इनकी लाइफ बड़ी खतरनाक थी जब इन्होंने शादी कर ली थी तो इनकी वाइफ ने इनको तहस नहस कर दिया था ये वही लॉर्ड बायरन है बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे आएंगे इसको सभी बच्चों को जवाब देना है इसमें कोई भी कमी नहीं रखनी है क्योंकि ये लाइन आपकी हंड्रेड डॉलर की है मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्टेज वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलोइंग लाइक इट्स ओन आई बताओ बच्चों ये लाइन कहां से ली गई है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज ऑके बच्चो अर्चना सी रूबी सी टू नाइट दी कह रहे हैं, ओके ठीक है, 43 सी, ठीक है, बच्चों ये वेस्ट विंड है, तफसील एग्जैक्टली बच्चो येस्टविंडस्टविडी शैली तो बच्चों ये पीबी शैली की थी हंड्रेड परसेंट और इसी में लाइन आती है मेक मी दर इवन एज द फॉरेस्ट इज ये बहुत जबरदस्त लाइन है याद रखना यूपी से लेके केवीएस लेके से लेके ले सारे ही एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट तो इसको पक्का कर लेंगे अच्छा आदि योगी जी जी बिल्कुल बेटा अभी चला नहीं है है ना अभी मैं इसको रात को थोड़ा स्टार्ट करूंगा दोबारा से सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा तब हम आपके मैसेज को ले लेंगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों प्रोमीथियस अनबाउंड लिरिकल ड्रामा द बेस्ट वर्कोप वोल्ट्रेस को ड्राइडन शैली या फिर बच्चों लोर्ड बायरन तो बताओ प्रोमिथियस अनबाउंड किसने लिखा था इनमें से है या ना याद आ रही आपको प्रोमिथियस ने क्या किया था ही गिवन फायर टू द ह्यूमन काइंड एंड रीजन की उसको पनिश किया गया था शैली बहुत अच्छे बच्चों इट इज शैली पी बी शैली तो ये हमारे पर्सी बायसी शैली थे हु हैड रिटन दिस पर्टिकुलर वर्क प्रोमिथियस अनबाउंड अच्छा बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और बताओ ये फ्रेंकेस्टी किसने लिखा था फ्रेंटीन का मीन होता है, मौनस्टर. एक मोनस्टर टाइप की यहां एक संज्ञा दी गई है तो बताओ ये नोवेल किसका है फ्रेंटीन पीबी शैली का मैरी शैली का लॉर्ड बायरन का या बच्चों रॉबर्ट ब्राउनिंग का वेरी नाइस आंसर बच्चों ये हमारा मैरी शैली है अच्छा ये बताओ मैरी शैली तो हो गया ये मैरी शैली है कौन हु मैरी शैली बच्चों यहां पे मैरी शैली है कौन हमें तो ये पता ही नहीं है हम तो भूल गए बहुत अच्छे आंसर हैं शैली तलत मिनू सभी बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे वाइफ ऑफ पीबी शैली मिनू दैट्स ग्रेट ये कौन थी बच्चों वाइफ ऑफ पीबी शैली ये भी आपको पता होना चाहिए भाई क्या पता वो क्या पूछ लिया आपसे है ना और ये आपको पता है कि पीबी शैली हमेशा भगा के शादी करते थे पहले मैरी शैली को ले गए फिर इसकी सिस्टर को ले गए ऐसे ही करते रहते थे यही काम था किसका पीबी शैली का तो फ्रेंकेस्टीन उन्हीं का लिखा गया नोवेल था जो कि फर्स्ट वाइफ थी मैरी शेली राइट बच्चों बहुत अच्छे तो आज हम इतना वर्क करेंगे होप सो के आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं सब बच्चों को आपने कुछ ना कुछ इसमें जरूर गाइड किया है जो कि आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए हंड्रेड परसेंट हेल्पफुल होगा तो कल फिर मिलते हैं बच्चों किसी भी टाइम आई थिंक कल आफ्टरनून में हम मिलेंगे दोपहर में मिलेंगे जी बच्चों बहुत अच्छे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी आज के लिए इतना वर्क, कल फिर मिलेंगे थोड़े से नए वर्क के साथ में बढ़िया वर्क के साथ में अ ग्रेट टाइम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दिस इज द मैसेज ऑल राइट बच्चों बहुत अच्छे थैंक यू सो मच जी राहुल केवीएस टीजीटी इंग्लिश कोर्स न्यूज सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा ना बिल्कुल बेटा राहुल राहुल मुझे ये बताओ जब नया सिलेबस आ गया तो उसी के अकॉर्डिंग होगा पुराने को क्यों करेंगे है ना नए से होगा और सब कुछ बढ़िया से होगा कोई दिक्कत नहीं है जी नासिमा बेगम बहुत अच्छे करेक्ट बात है वाई पोपी तो चलो बच्चों मिलते हैं कल थैंक यू सो मच अ ग्रेट टाइम बाय गुड नाइट सभी बच्चे बढ़िया से अपना वर्क करते रहेंगे एंड टेक केयर